ये हैं जोधपुर के तिवरी गांव के 23 साल के पीयूष सोनी। इतनी कम उम्र में पीयूष आज करोड़ों की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। पिता को ड्राइविंग करते देख इन्होंने ठान लिया कि वो अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो दूसरों को रोजगार दे सके। 12वीं की पढ़ाई के बाद इन्होंने गांव में ही भगवती लाल सोनी के पास ज्वेलरी का काम सीखना शुरू किया। 2 साल तक काम सीखा और इसी दौरान ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट किया। बिजनेस करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने 10th के बाद फाइनल तक लगभग सब प्राइवेट ही किया। फाइनल मैंने मतलब 2 एग्जाम ही देने गया, उसके बाद में हमारी सीजन आ गई थी तो मैंने वो एग्जाम दिए ही नहीं। एक होता है ना कि हाँ भाई, कोई छोटे से गांव का मतलब एक नॉर्मल सा लड़का करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे खूब सारी मेहनत लगती है। मेरी खूब सारी मेहनत लगी। माँ की सलाह पर 19 साल की उम्र में 2018 में गांव में ही एक छोटी सी दुकान से पीयूष ने अपना बिजनेस शुरू किया। ट्रेडिशनल से हटकर डेली वियर और एंटीक ज्वेलरी बनाना शुरू किया। ग्राहकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलने लगा, लेकिन साल 2020 में कोविड और लॉकडाउन की वजह से बिजनेस थम गया। तो पीयूष ने सोशल मीडिया पर अपनी बनी ज्वेलरी के फोटोज और वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में लोगों का रेस्पॉन्स आने लगा और ऑर्डर भी मिलने लगे। बाद में खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनवाई। आज हर दिन पीयूष के पास 150 से 200 ऑर्डर आ रहे हैं, जिनमें से 10 से 15 ऑर्डर रोजाना विदेशों से भी आ रहे हैं। कंपनी के टर्नओवर की बात करें तो लगभग सालाना 1.96 करोड़ है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन इसका जो है पॉजिटिव यूज किया है पीयूष और उनकी टीम ने, और इतनी बड़ी जो है टीम यहाँ पर खड़ी कर दी, और न सिर्फ अपने गांव के लोगों को रोजगार दे रहे हैं बल्कि छोटे से गांव की पहचान विदेशों तक भी बनाई है। दैनिक भास्कर के लिए तिवरी से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।